बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा ट्रेडिंग बॉट अब तक जी रेडी हो गया है, उसकी प्रोग्रेस काफ़ी सारे लोग कह रहे थे शेयर कर दे, तो मैंने अब मैं पूरी भी बना देता हूँ जिसके ऊपर वो सारी दिख जाएगी। ये हमारा सबसे पहला वर्जन था, ये सेकंड वर्जन है, ये अभी जो करंट लाइव है, जो लाइव है उसके ऊपर देख लें, ब्लू हेड चल रहा है, ये अभी करंट जो है ये लाइव है रियल अकाउंट के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब ये करता क्या है, ये आपकी पहले ये था कि जब शुरू से एल्डोराडो के अंदर इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि बार बार साइडवेज मार्केट के अंदर बाई और सेल के बैक टू बैक सिग्नल आ जाते थे जिसमें ली कैपिटल काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। तो इसको एड्रेस करने के काफ़ी सारे सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किए लेकिन हो नहीं था रहा था। अभी जो फाइनल सोल्यूशन उसका निकाला है वो ये है कि लेवल जो है वो दिन में एक दफ़ा प्लॉट होते हैं, वो रियल टाइम की बजाय दिन में एक दफ़ा अपडेट होते हैं, और एक दफ़ा जब लेवल टूटता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका एक लेवल टूटता है ना, तो अगर तो वो ट्रेड ठीक है तो प्राइस फिर आपकी उस लेवल को तोड़ने के बाद उसी डायरेक्शन के अंदर उस दिन मूव करती है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करती। तो यही लॉजिक को यूज़ करते हुए ये क्या करता है कि आपका लेवल टूटने के बाद जिस डायरेक्शन में सबसे पहले लेवल टूटता है उस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड ले लेता है टीपी और एसएल लगा के, और उसके बाद अगर तो टीपी हिट हो जाती है तो ठीक है, लॉस हो रहा हो तो या एसएल हिट जो होता है, और शाम के 7 बजे वो सारी ट्रेडें भले वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो उनको क्लोज कर देता है। तो ये इसकी इनपुट्स हैं, ये देखें ये टाइम रेंज जिससे ये लेवल निकालता है, ये बाकी इसका लॉट साइज जो आपने डालना है इसके अंदर, ठीक है। लेट मैं 0.1 ही से कर रहा हूँ इसको, स्टॉप लॉस ये टीपी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लेता है ये 50% के ऊपर, ठीक है, और कितनी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड दिन में ओके 1 नहीं रखनी है, ठीक है। तो एक ट्रेड ही लेता है दिन के अंदर मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको विजुअल मोड में दिखाता हूँ, फिर स्टॉप करके इसको सारी बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। ये देखें, ये जैसे ही डे हमारा स्टार्ट होता है तो ये ऐसे लेवल प्लॉट कर लेता है, और उसके बाद लेवल ब्रेकआउट होने के डायरेक्शन के अंदर जैसे ही लेवल ब्रेकआउट होता है ट्रेड ले लेता है, और ब्रेक इवन के वो एसएल और टीपी उसकी लगा देता है। अगर तो प्रॉफिट टीपी हिट हो जाए तो ठीक है, ना हिट हो तो शाम को 7 बजे वो ट्रेड जहाँ पर भी हो, जैसे ये अभी 7 बजे है इसने क्लोज कर दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे नया लेवल प्लॉट होता है, वंस लेवल प्लॉट हो गया उसके ब्रेकआउट जैसे ही पहला ब्रेकआउट होता है उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेता है, ये इसने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ली, और उसके बाद ये इसकी टीपी भी हिट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब मैं आपको इसके साल पूरे की बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ, वो ज़रा जल्दी हो जाएगी। ये विजुअल मोड हम इसको बंद कर देते हैं, और ये देखें स्टार्ट किया हमने, तो ये इसकी स्टार्ट हो गई। ये देखें ये 0.1 से चला था, ठीक है, कोई इसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, सारा ये खुद ही से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। बस सिस्टम आपका ऑन रहे, ऑटोमेटिक ये सुबह सुबह चल जाएगा, लेवल प्लॉट करेगा, एक ट्रेड लेगा, प्रॉफिट में हिट हुई, लॉस में हिट हुई, या शाम के 7 बजे के ऑटो क्लोज करके अगले दिन फिर आ जाएगा दोबारा। इसको पूरे 10 साल के डाटा के ऊपर भी चेक करके देखा है तो ओवरऑल ये नेट प्रॉफिट में ही है, सिर्फ आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है इसके अंदर। लॉट साइज बस आपने डालना है, टीपीएसएल का लेवल आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का लेवल मैनेज कर सकते हैं, यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिंग के अंदर रिक्वायर होती हैं। तो ये देखें साल एक के अंदर इसने $10,000 का बैलेंस था, $55 का ड्रॉडाउन हुआ है, और 3595 इसने प्रॉफिट बनाया, और ड्रॉडाउन उसके अगेंस्ट $55 के, 70% लॉन्ग विन हुई है, 72% शॉर्ट्स विन हुई है, ठीक हो गया। और अगर यही हम इन इनपुट्स को इसको 0.5 भी कर दें, तो अभी आप देख सकते हैं
अकाउंट जो है वो फिर भी नेगेटिव साइड पे बिल्कुल नहीं गया, तो और जो प्रॉफिट है इसका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से आपने अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर लेनी है, ठीक है। मैंने इसको 10.1 से भी टेस्ट किया, तो आप अगर इसको लेते हैं तो आप मैक्सिमम लॉट साइज जिसके ऊपर आप रिस्क लेना चाहें उसके ऊपर करके इस पर लिक्विडेट ना हो एक दफ़ा बैक टेस्ट कर लें। तो अगर साल पूरे में नहीं हुआ तो फिर रियल टाइम में फ्रंट फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर ये 0.25 की लॉट लेते तो ये जैसे आप देख सकते हैं अभी तक इसने 1 साल के अंदर 10,000 पे ये मैक्सिमम 27,000 29,000 पे चला गया, वह 31,000 32। तो इस तरह से ये आपकी आगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लॉजिक इसकी बहुत सिंपल सी है, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएँ तो मैन्युअली इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर, डू योर ओन रिसर्च, कंसल्ट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस इन प्लेस। एंड एज ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू टेक अ ब्रेक एंड एंजॉय अ गुड कप ऑफ कॉफी। कीप इन माइंड दैट द बेस्ट एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट विद 100% एक्यूरेसी। ऑलवेज ट्रेड विद रिस्क मैनेजमेंट इन माइंड।